हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ड्रोन फ्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आप जो ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं वो कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में तो फ्लाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि इंडियन एयर स्पेस कितने जोन्स में डिवाइड है, किस जोन में आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, किस जोन में ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप ड्रोन पायलट लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देते हैं, आप अपना लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और मैं एक प्रोफेशनल ड्रोन पायलट हूँ, एक ट्रैवलर हूँ, साथ में ड्रोन वीडियोग्राफी भी करता हूँ। तो बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयर स्पेस को 3 जोन्स में डिवाइड किया है, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। रेड जोन वो होता है जो जहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन बिल्कुल नहीं होती, जैसे VIP एरिया हुआ, आर्मी एरिया हुआ। येलो जोन होता है जहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं बट आपको ATC से परमिशन लेनी होगी। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। थर्ड जोन होता है ग्रीन जोन, जहाँ पे आप आसानी से ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको उस जोन के कुछ लोकल लॉज फॉलो करने होते हैं। तो चलिए अब इन तीनों जोन्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों बेसिकली ये इस पूरे उसमें दिखाया गया है कि आपका रेड जोन कौन सा होता है, येलो जोन कौन सा होता है और ग्रीन जोन। सबसे पहले आता है ये रेड जोन। रेड जोन जो होता है वो एयरपोर्ट की बाउंड्री के से लेके जो 5 किलोमीटर तक का रेडियस होता है एयरपोर्ट का, वो कहलाता है रेड जोन। इस एरिया में आप बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं, फ्लाई करने के लिए बहुत हाई लेवल परमिशन चाहिए होती हैं। एक आम आदमी के लिए ये एक तरह बिल्कुल रेड जोन है, आप बिल्कुल भी यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते। उसका बेसिकली रीजन ये है कि एयरपोर्ट के पास जो एयरप्लेन्स होते हैं वो बहुत लो लेवल फ्लाई कर रहे होते हैं। इन केस अगर आपका ड्रोन उसमें गलती से कहीं कैसे भी टकरा गया या कुछ हो गया तो उसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, मिसहैपनिंग हो सकती है। रेड जोन में साथ ही साथ आते हैं VIP एरियाज, BVIP एरियाज एंड आर्मी एरिया, ये सब रेड जोन के अंदर आते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये 5 किलोमीटर तक का जो रेडियस होता है एयरपोर्ट का वो रेड जोन कहलाता है। 5 किलोमीटर से बाहर जो 8 किलोमीटर तक का एरिया होता है वो कहलाता है येलो जोन। येलो जोन में आप फ्लाई तो कर सकते हैं लेकिन आपको ATC से परमिशन लेनी होगी। ATC होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सेम वही होता है जो एयरप्लेन्स को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आपके ड्रोन्स को भी कंट्रोल करता है। तो इसमें परमिशन लेने के लिए बहुत क्राइटेरिया है, आपको अपना प्लान सबमिट करना होता है ATC को, ATC आपको बताना होता है कि आपका पर्पस क्या है, साथ ही साथ आपको बताना होगा कि आपका फ्लाइंग टाइम क्या रहेगा। फिर अगर आपको ATC परमिशन देता है तो आप अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है 8 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक का, वो भी येलो जोन होता है बट उसके अंदर आप 200 फीट की हाइट तक 250 ग्राम का ड्रोन आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 200 फीट से ऊपर उसको नहीं फ्लाई कर सकते उस एरिया में, लेकिन वो भी सिर्फ 250 ग्राम तक का ही ड्रोन, उससे बड़ा नहीं। और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप येलो जोन में फ्लाई करना चाहते हैं तो आप ATC से परमिशन ले, चाहे वो 8 किलोमीटर तक का रेडियस हो चाहे वो 12 किलोमीटर तक का रेडियस हो। उसके बाद आता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो होता है जहाँ पे फ्लाइंग के लिए रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं बट आपको लोकल लॉज फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आप अपना ड्रोन 120 मीटर से ज़्यादा हाइट पर नहीं फ्लाई कर सकते, पहला। दूसरा ये है कि आपका जो ड्रोन है वो विजुअल लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। ये जोन जो है वो कमर्शियल फ्लाइंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है जहाँ पब्लिक सेफ्टी और प्राइवेसी का रिस्क कम हो। ग्रीन जोन में आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि जिस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं वो रेड जोन है, येलो जोन है या ग्रीन जोन है। तो दोस्तों अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि जिस एरिया में आप अपना ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं वो कौन सा जोन है, तो उसके लिए आपको आना होगा इस साइट पे, ये है digitalsky.dgca.gov.in, ये इसका होम पेज है इस साइट का। और इसमें आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के अंदर है एयर स्पेस मैप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा इंडियन एयर स्पेस मैप खुल जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि ये क्या है। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका रेड जोन कौन सा है, येलो जोन कौन सा है और ग्रीन जोन कौन सा है। तो ये इस समय इस तरीके का है, यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आएगा सबसे पहले स्टेट। स्टेट हर स्टेट के अंदर ग्रीन जोन तो है ही, तो ये समय वो दिखा रहा है कि किस किस स्टेट में ग्रीन जोन है, तो ये ओके हो गया अपना। एयरपोर्ट रेड, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये सारा एयरपोर्ट, ये सारे एयरपोर्ट्स हैं, ये अभी तो बहुत छोटे लग रहे हैं, अभी इसको हम जूम करेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एरिया होता है।
ठीक है, इन एरियाज़ में ये एयरपोर्ट एरिया है, ये रेड जोन हो गया बेसिकली। एयरपोर्ट के बाद का जो येलो एरिया होगा वो इसी के साथ जो मैंने आपको बताया 5 से 8 और 8 से 12 किलोमीटर वाला, उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री भी आपका रेड जोन होता है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो होती है हमारी, जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान से, चाइना से और नेपाल से, इन सब के अंदर 25 किलोमीटर के अंदर तक पूरा रेड जोन होता है। इंटरनेशनल बाउंड्री पे आप 25 किलोमीटर अंदर तक आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, वो बिल्कुल रेड जोन होता है। उसके बाद ये रेड जोन आ गया कि और कौन कौन से रेड जोन्स हैं, जैसे VIP एरिया मैंने बताया था, आर्मी एरिया बताए थे। उसके बाद आता है टेम्परेरी रेड जोन। टेम्परेरी रेड जोन वो रेड जोन होता है जो टेम्परेरी टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए रेड जोन डिक्लेयर किया गया। जैसे सपोज करो किसी एरिया में VIP मूवमेंट है, या जैसे अभी इलेक्शंस आ गए, इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग होगी, पार्टीज के लिए गवर्नमेंट जो पार्टीज हैं उनका रोड शो होगा, या फिर किसी भी तरीके की कैंपेनिंग होगी, तो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होगी, तो वो एरिया उस समय के लिए वहाँ पे रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। या सपोज कीजिए कोई VVIP किसी फंक्शन में गए हैं कहीं, या कहीं कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे डेली का आना जाना नहीं होता, तो वो टेम्परेरी रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो इस पे शो होता है। अब इसमें ये देखते हैं हम कि सपोज करो अभी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली वैसे तो 80% 90% रेड जोन ही है। अब सपोज करो कि हम कहीं बाहर गए हैं, सपोज करो हम कहीं फ्लाई करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि किसी मॉन्यूमेंट की वीडियोग्राफी करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो एरिया कैसा है। जैसे सपोज करो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, कई लोगों की मैंने वीडियोज देखी है कि वहाँ पे वीडियोज आई हैं उनकी, यहाँ पे हम टाइप करेंगे अक्षरधाम दिल्ली, ये प्रॉपर रेड जोन है अक्षरधाम मंदिर। उसके बाद सपोज करो हम देखते हैं मनाली, मनाली में कहाँ कहाँ रेड जोन है, कहाँ कहाँ ग्रीन जोन है, क्या है। तो मनाली में बेसिकली ये मनाली का पूरा नहीं है, ये एयरपोर्ट के पास है इसलिए रेड जोन दिखा रहा है, उसके बाहर यहाँ पे ये ग्रीन जोन है। तो किसी भी एरिया में आप पता लगा सकते हैं इस तरीके से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बार बार दे सकूँ।